नमस्कार मित्रों, अभियान यूपी पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज सातवां दिन है सॉल्यूशन का और आठवां दिन है आपके टेस्ट का। तो आज इससे पहले सात दिन हो चुके हैं जिसमें पर्यावरण और ज्योग्राफी पूरी कवर हो चुकी है, वर्ल्ड विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, जो पिछले के वीडियोस में आप हमारे देख सकते हैं। मित्रों, ये अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर करें जिससे हमें पता चल सके कि कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं। आइए देखते हैं सातवें दिन के सॉल्यूशन को और डिस्कशन को। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य महादाई या मांडोवी नदी राज्य विवाद में शामिल नहीं है? तो ये कर्नाटक नहीं है, सॉरी वो गुजरात नहीं है, गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक है इसमें। दूसरा प्रश्न देखेंगे, विश्व आर्थिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के बारे में विचार करें। इस लिस्ट में जापान का स्थान प्रथम है, सही है। भारत का तीसवां स्थान है जो कि ब्रिक्स देशों में चीन को छोड़कर सबसे ऊपर है। ये दोनों कथन सत्य हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा सी, ऑपरेशन वज्रप्रहार। वज्रप्रहार जो है इंडो यूएस है, तो भारत अमेरिका होगा। उत्तर होगा इसका ए। चौथा प्रश्न है, रायसीना डायलॉग जो है उसके बारे में काफी फेमस है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एक जियोपॉलिटिकल वार्षिक आयोजन है जिसकी शुरुआत भारत के विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2016 में की थी, सही है। 2018 में यह डायलॉग नई दिल्ली में हुआ जिसकी थीम थी मैनेजिंग डिस्ट्रप्टिव ट्रांजिशन आइडियाज इंस्टीट्यूशन एंड आइडम्स। ये दोनों कथन सत्य हैं, उसका उत्तर होगा सी। बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ये साइबर सिक्योरिटी से है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर हम देखेंगे। बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है साइबर सिक्योरिटी, पांचवें का सी। छठा प्रश्न है अग्नि 5 के बारे में, ये तीसरी बार अभी प्रयोग प्रक्षेपण की गई है इसका, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार कई परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा गया है, तो इसकी स्पेसिफिकेशन याद कर लीजिए। ये आईसीबीएम है, मिड रेंज से लेकर के हाई रेंज तक 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है और लंबाई इसकी 17 मीटर, वजन 50 टन और 1000 किलोग्राम जो है न्यूक्लियर वारहेड ये ले जाने में सक्षम है। तो इसे भारत द्वारा वेपन ऑफ पीस नाम दिया गया है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, उत्तर होगा सी। हाल ही में रोमानिया की पहली महिला प्रधानमंत्री तो मिस्टर डेंसिलिया हैं, सॉरी मिस डेंसिलिया हैं, तो इसका उत्तर होगा सी। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, किसे भारतीय इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये डॉक्टर सिवान के हैं, इसमें ऑप्शन देना मैं भूल गया था, इसको याद कर लीजिए। इम्परफेक्ट ये भी चर्चित पुस्तक है जिसे अभी दिलीप वेंगसरकर ने अनावरित किया, तो ये महेश मांजरेकर जी की बायोग्राफी है। दसवां प्रश्न है, 23वें ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2018 में अभी मार्च में हुआ था, कहां किया गया? कि ये प्योंगयांग दक्षिण कोरिया है, तो इसको देख लीजिएगा, प्योंगयांग साउथ कोरिया में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला 1989 में एम फातिमा बीबी जी थी, तो ये कथन सत्य है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश हैं, नहीं 2 ही हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की 7वीं महिला न्यायाधीश हैं, ये सत्य है, तो केवल 1 और 3 होगा, इसका उत्तर होगा सी। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का कौन सा सदस्य बना? तो ये 43rd है, 43वां सदस्य ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार ग्रुप, दोनों देख लीजिएगा, दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं इस बार। मरुस्थली बायोम, अब यहां से पर्यावरण के प्रश्न शुरू होते हैं। डिजर्ट बायोम के बारे में निम्न कथनों का सत्य कथनों का चयन करें। ये मध्य मिड लेटिट्यूड पे होते हैं, सही है। ये सामान्यतः अत्यधिक गर्म
दिन एवं ठंडी रातें वो वर्षा 25 सेंटीमीटर या 2.5 इंच से कम होती है, 10 इंच से कम होती है। तो इसका उत्तर होगा सी, दोनों कथन सत्य हैं। सत्य कथनों का चयन करें, ये परिभाषाएं हैं। एक हेक्टेयर से अधिक ऐसी समस्त भौगोलिक क्षेत्र ज्योग्राफिकल एरिया जहां पेड़ों का घनत्व डेंसिटी 10% से अधिक हो उसे वनावरण कहते हैं, सही है। एक हेक्टेयर से कम जो फॉरेस्ट कवर होता है, ट्री कवर होता है, उसको ट्री कवर बोलते हैं। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई। भारत में वनावरण में सबसे जो फॉरेस्ट कवर है उसमें सबसे ज्यादा कमी कहां हुई? मिजोरम में। दोनों कथन सत्य हैं। उत्तर होगा सी, इसका उत्तर हम देखेंगे, उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव आच्छादित जो मैंग्रोव कवर है वो राज्यों का सही घटता हुआ क्रम, तो इसमें पहला ही सही है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला, तो ये सोनभद्र है, प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी, दोनों में ही सोनभद्र है, तो इसको याद कर लीजिएगा, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ये पूछा जा सकता है। ये एरिया में सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर और परसेंटेज में सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वनावरण, भारत के वनावरण का 6.09 है, ये डेटा जरूर याद रखिए। उत्तर प्रदेश का वनावरण प्लस वृक्षावरण, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर दोनों मिला के 9.18% है टोटल इंडिया का, ये दोनों कथन सही हैं। उत्तर होगा सी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बिश्नोई, राजस्थान, सही है, एपिको ये कर्नाटक में है, चिपको उत्तराखंड और बालियापाल उड़ीसा। निम्न में से कौन मैती आंदोलन से संबंधित है? मैती आंदोलन, ये बाकी तीनों के चिपको आंदोलन से हैं, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। कल्याण सिंह रावत जो है वो मैती आंदोलन से संबंधित है। निम्न में से कौन ओजोन समझौता से संबंधित नहीं है? ओजोन समझौता वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल और किगाली। नगोया जो है बायोडाइवर्सिटी से है, इसको देख लीजिएगा, बायोडाइवर्सिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से होगा, दोनों में से किसी में से। उत्तर ब्लैकफुट रोग किससे होता है देखेंगे हम। ब्लैकफुट रोग किसके कारण, कमी के, किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये जल प्रदूषण के सारे हैं, इनको ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोरोसिस और जो भी रोग होते हैं इनके बारे में याद कर लीजिएगा। ये 5-6 तत्व हैं, इनमें से एक आर्सेनिक है जो कि गंगा घाटी के इलाकों में ज्यादा समस्या देखी गई है, तो इसका उत्तर होगा बी। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, इसके 8 घटक हैं जो प्रदूषण, मुख्य प्रदूषकों को शामिल किया गया है, तो इनकी लिस्ट आप देख लीजिएगा जरूर, जिसमें ये तीनों हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन सॉरी ओजोन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है इसमें, पार्टिकुलेट मैटर्स भी हैं इसमें, सारी लिस्ट जरूर देख लीजिएगा एक बार। लाइकेन निम्न में से किसके अच्छे संकेतक हैं? वायु प्रदूषण के हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। उत्तर होगा ए। IUCN का जो रेड डाटा बुक जारी करती है उसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स और जितने भी हैकल हैं, टॉन्सले हैं, चार्ल्स एल्टन है, इन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है सबको याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न यहां से निश्चित है। पर्यावरण में सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न कर लेंगे और कुछ और प्रश्नों को जो हम दिए हैं, लगभग 70 के प्रश्न हैं, इनको कर लेंगे और उसके आसपास के प्रश्नों के ऑप्शंस को देख लेंगे, तो आपका ये पूरा 100% आप सही कर सकते हैं इसमें। करंट अफेयर्स के 2-3 प्रश्न देंगे, वो करंट अफेयर्स में हम कवर कर ही रहे हैं, तो यहां से आप ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस, ये 3 ऐसे पोर्शन हैं, यहां से आप 100% कोशिश कर सकते हैं कि मेहनत करके यहां से प्रश्नों को सही कर सकते हैं।
निम्न में से निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथनों का चयन करें। घास स्थलीय जो इकोसिस्टम है का ऊर्जा पिरामिड उल्टा होता है, नहीं ये सीधा होता है, और इसका इकोसिस्टम का जीव भार भी जो बायोमास होता है वो भी सीधा होता है। तो केवल दो होगा, उत्तर होगा बी। इसका उत्तर हम देखेंगे, पिरामिड जो है सीधा होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, खाद्य जाल जो फूड वेब होती है उसमें एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल नहीं होगा। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, दूसरे तरीके से पूछा गया है, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा, कथन कारण में भी पूछा है कई बार। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र, ये भी पुराना प्रश्न है, ओस्लो में है। और निम्न में से कौन हिमालयी वनस्पति नहीं है, तो जूनिपर, स्प्रूस, सिल्वर फर, ये सब क्या है, हिमालयी वनस्पति है। सागौन जो है मैदानी भागों में पाया जाता है। सेल्फ स्टार्ट गाड़ियों में प्रदूषण का बढ़ता है किसके कारण, लेड के कारण, सॉरी किसकी, इससे किस, कौन सा प्रदूषण बढ़ता है, लेड बढ़ता है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे, लेड। मित्रों आप सभी जो है पढ़ाई करके, मतलब जो शेड्यूल दिया गया है उसके हिसाब से पढ़ाई करें और प्रश्नों को सॉल्व करें, और वीडियो देखने से आपको फायदा ये होगा कि चीजें आपको विजुअलाइज होंगी और ऑडियो फॉर्म में भी आएंगी, इसलिए याद होने में आसानी होगी। और किसी भी तरीके की दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो जरूर पोस्ट करिएगा। और पीडीएफ फॉर्म के लिए लोग परेशान है, पीडीएफ फॉर्म में हम, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम, जैसे इन्वायरमेंट का आज खत्म हो रहा है तो इन्वायरमेंट के सारे पीडीएफ उसमें डाल देंगे। आप लोग वीडियोस देख के उसको सॉल्व करिए, वो ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद मित्रों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।